मिहिर ने बड़ी ही नरमी से कहा, हेलो अंकल, मैं मिहिर बिष्ट बोल रहा हूँ। हमें ब्लैक माउंटेन चाय पत्ती को फिर से खरीदना है। मैंने आपसे बोला था कि टाइम पर हमारे ऑर्डर की डिलीवरी कर दीजिएगा, पर अभी तक चाय पत्ती का ऑर्डर हमारी कंपनी नहीं पहुंचा। कोई प्रॉब्लम है क्या? मिहिर बिष्ट की बात सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ मिहिर बेटा, अभी यहाँ पर चाय पत्ती की फसलों को काटने में कुछ टाइम है और यहाँ पर साधन भी उतने अच्छे नहीं हैं। पहाड़ों से चाय पत्ती को उतारना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, इसलिए अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम अपना ऑर्डर जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना? मिहिर उन बूढ़े अंकल की बात सुनकर फोन कट कर देता है और किसी को फोन मिलाते हुए धरा एम्ब्रॉयडरी कंपनी से बाहर निकल जाता है। मिहिर के वहां से जाते ही धरा अपने केबिन से बाहर निकल कर आती है और सारे वर्कर्स के साथ काम को चेक करने लगती है। धरा की नजर ऋषभ पर पड़ी। वर्कशॉप में थोड़ी गर्मी होने की वजह से ऋषभ ने अपनी टी शर्ट उतार दी और वो सिर्फ जीन्स में ही काम कर रहा है, जिसे देखकर धरा काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। धरा ने अपने मन में सोचा, ऋषभ बाकी वर्कर्स के आगे कितना ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है, पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे ये कोई मामूली वर्कर है। धरा इतना सोचकर एक टक ऋषभ को ही देखती जा रही है। ऋषभ का एक फ्रेंड धरा को उसे घूरते हुए देख लेता है और ऋषभ के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, अबे मैंने तुझसे बोला था ऋषभ कि तू टी शर्ट मत उतार, धरा मैम गुस्सा करेंगी। देख धरा मैम तुझे कितने गुस्से से घूर रही है। ऋषभ जैसे ही अपने दोस्त की बात सुनता है धरा की तरफ मुड़कर देखता है और तुरंत अपनी टी शर्ट उठाकर उसे पहनने लगता है। धरा ऋषभ को ऐसा करते देखकर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने केबिन में चली जाती है। तभी ऋषभ के दोस्त ने ऋषभ से कहा, धरा मैम ने तुझे जितने गुस्से से घूरा है ना, लगता है अब वो तेरी शिकायत मिहिर सर से करेंगी। मैं तुझसे मना कर रहा था, बट तुझे तो अपनी बॉडी दिखाने का इतना शौक है कि भाई क्या करें। ऋषभ अपने दोस्त की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तू मुझे मिहिर बॉस के नाम से डरा रहा है क्या? ऋषभ के दोस्त ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस मैं तो तुझे बता रहा हूं यार। इतना बोलकर दोनों वापस अपने काम में लग जाते हैं और धरा अपने केबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठती है और पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगती है। धरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी पागल हो गई हूं क्या, ये सब क्या सोच रही हूं। ऋषभ कंपनी का वर्कर है और मैं उसकी बॉस, मैं अपने वर्कर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। धरा ये तेरे दिमाग में थॉट आया भी कैसे? इतना बोलकर धरा अपने माथे का पसीना पूछने लगती है और धरा के दिमाग में फिर से शर्टलेस ऋषभ नजर आता है और धरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। धरा खुद को उस थॉट से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, ओहो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है, फोकस फोकस। ऋषभ की तरफ धरा का अट्रैक्शन कम नहीं होता और धरा ने इसी वजह से एक दो दिन ऋषभ से बात ही नहीं करी और उसे फुल इग्नोर किया। इसी तरह काफी टाइम बीत गया और ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मिहिर के पास ब्लैक माउंटेन जंगली चाय पत्ती के ओनर का कॉल आया। मिहिर ने तुरंत कॉल रिसीव किया। उधर से उस बूढ़े आदमी ने कहा, मिहिर बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे चाय के पहाड़ी रास्तों पर इतना अच्छा काम करवाया है जिससे हमें चाय पत्ती की फसल को काट कर लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने चाय पत्ती की फसल को काट कर उसे तुम्हारे कंपनी में भिजवा दिया है और बहुत जल्द तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल शुक्रिया बोलकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, और मैंने तो उन पथरीले रास्तों को इसलिए आसान सीढ़ियों में बदलवाया जिससे कि आपके लोगों को चाय की खेती करने में कोई परेशानी ना हो। उस बूढ़े आदमी ने मिहिर से कहा, मिहिर बेटा तुम्हारे आदमियों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये पथरीला इलाका बड़ा ही खतरनाक था, उस खतरनाक हिस्से पर लकड़ी की रेलिंग लगा दी गई है जिससे अब इलाका काफी ज्यादा सुरक्षित हो गया है और अब हमें चाय की खेती करने में और फसल काटने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, तो अब तुम्हारा ऑर्डर भी डिले नहीं होगा। मिहिर ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर कहा, बस यही तो मैं चाहता हूँ। वैसे अंकल ये बताइए इस बार कितनी चाय पत्ती की खेती हुई है? मिहिर की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, 60 किलो से ज्यादा चाय पत्ती मैंने भिजवा दी है और बाकी का प्रोडक्ट जैसे ही पैक हो जाएगा मैं उसे भी भिजवा दूंगा। मिहिर ने खुश होते हुए कहा, 60 किलो बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है अंकल, अब मैं कॉल रखता हूँ।
मिहिर ने तुरंत निखिल के पास कॉल किया और बोला, हेलो निखिल, ये चाय पत्ती का ऑर्डर तुम्हें रिसीव हुआ या नहीं? निखिल ने हैरान होते हुए कहा, है? नहीं तो मिहिर सर, अभी तक तो कोई भी चाय की पत्ती लेकर कंपनी में नहीं पहुंचा। अगर ऑर्डर रिसीव हुआ होता तो मुझे पता होता। मिहिर ने कहा, कोई बात नहीं, अगर ऑर्डर अभी तक नहीं आया तो आ रहा होगा। मेरी अभी अंकल से बात हुई है, उन्होंने ऑर्डर भिजवा दिया है, जैसे ही ऑर्डर आ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। इतना बोलकर मिहिर ने कॉल कट कर दिया। अगले दिन सुबह मिहिर यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपनी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करता है और उसके बाद सीधे लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने लगता है। तभी मिहिर के पास निखिल का कॉल आता है। हाँ निखिल, बोलो क्या बात है? निखिल ने मिहिर से कहा, मिहिर सर, चाय का ऑर्डर आ गया है और मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी। मिहिर ने निखिल की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूं। मिहिर इतना बोलकर सीधे यूनिवर्सिटी से ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचकर मिहिर ने निखिल से कहा, हाँ निखिल बोलो, किस लिए तुमने अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलवाया? निखिल ने मिहिर के सामने चाय के कप को रखते हुए कहा, चाय का स्टॉक फिर से भर गया है और काफी सारी चाय पैक भी हो गई है, तो इसे बेचने के लिए आपने क्या सोचा है? अगर कोई प्लान है तो उसे बताइए, आगे क्या करना है? मिहिर ने चाय के कप को लिया और उसे पीते हुए बोला, चाय पैक होने से सिर्फ हम इसे ऐसे ही नहीं बेच सकते, इसके लिए हमें इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम चाय की पैकिंग को थोड़ा चेंज करो और इसे बेचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। निखिल मिहिर की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है। मिहिर ने निखिल से कहा, देखो हमारी ये चाय इतनी ज्यादा स्वादिष्ट, सुगंधित और जीवन काल को बढ़ाने वाली है, तो ये बात जब तक लोगों को पता नहीं चलेगी या वो इसे जब तक एक बार एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, तब तक इसे खरीदने के लिए मार्केट में आगे नहीं बढ़ेंगे। मिहिर की यह बात सुनकर निखिल ने हां में सिर हिलाया। मिहिर ने आगे बोलना कंटिन्यू किया और कहा, इसलिए हम अपनी चाय पत्ती के कुछ छोटे पैकेट्स बनाएंगे और उन्हें नमूनों के तौर पर अमीर बिजनेसमैन और टीचर को गिफ्ट करेंगे, ताकि एक बार वो हमारी चाय को पिए और उसके स्वाद को भूल ना पाए। मिहिर की बात समझकर निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जब एक बार उन्हें चाय की लत लग जाएगी तो फिर उन्हें तो चाय खरीदनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छा प्लान है सर। तभी निखिल ने मिहिर से कहा, मिहिर सर, मेरे पास एक और आइडिया है। अगर हम अपनी चाय की एडवर्टाइजिंग करें तो उससे भी हमारी चाय की सेल में बढ़ोतरी होगी और इससे हमें प्रॉफिट भी होगा। मिहिर ने निखिल की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और कहा, हां तो ठीक है, मैं इसके बारे में भी सोचूंगा। मिहिर ने कुछ देर सोचा और निखिल की तरफ देखकर कहा, आई थिंक मुझे पता है। निखिल, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो हमारी चाय पत्ती की पैकिंग को अट्रैक्टिव भी बना सकता है और उसके लिए एडवर्टाइजिंग भी कर देगा। तुम्हें इसमें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। मिहिर की बात सुनकर निखिल ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, अब क्या मतलब है मिहिर सर? क्या आप ये काम किसी और को देने जा रहे हैं क्या? निखिल की बात सुनकर मिहिर ने हां में सिर हिलाया और कहा, हां अब मैं ये काम करवा लूंगा। तुम्हारे पास वैसे भी बहुत सारे काम है, इसलिए तुम अभी से लेकर टेंशन मत लेना, ओके? ये सुनकर निखिल ने हां में सिर हिलाया और अपने मन में सोचा, पता नहीं सर के माइंड में कौन सा आइडिया आया है जिसे सर ने मुझसे शेयर ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत काम है और मिहिर सर ने अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो मुझे इसके लिए फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना सोचकर निखिल मिहिर के केबिन से बाहर निकल आता है। मिहिर ने धीमी आवाज में कहा, मैं मिस्टर आनंद कुशवाहा को कैसे भूल गया, उनकी कैलीग्राफी एसोसिएशन, वो तो मेरे लिए चाय पत्ती के लिए अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी बना लेंगे और चाय पत्ती को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू पैकिंग भी। बस मुझे उनसे बात करनी होगी। वैसे तो वो थोड़े खड़ूस हैं, बट मैं उन्हें मना लूंगा। मिहिर ने इतना सोचकर अपनी चाय को पूरा पिया और कप को टेबल पर रखकर अपने केबिन से बाहर निकल गया। उधर कैलीग्राफी एसोसिएशन मिस्टर आनंद कुशवाहा का ऑफिस। मिस्टर आनंद अपने ऑफिस के केबिन में आते हैं और अपनी चेयर पर आराम से बैठते हैं। तभी उनकी नजर टेबल पर रखी एक चाय पत्ती पर पड़ी। चाय पत्ती के साथ एक नोट मिला जिस पर लिखा है, हमारी कंपनी का न्यू प्रोडक्ट, एक बार ट्राई करके देखें, मिहिर बेस्ट। मिहिर का नोट पढ़कर मिस्टर कुशवाहा ने हैरान होते हुए कहा, मिहिर बिस्ट ने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट मुझे क्यों भिजवाया है? वो भी ऐसी चाय पत्ती जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और उन्होंने फ्री में इसे मुझे गिफ्ट किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करता हूं, इसे खोल कर देखता हूं।
जैसे ही मिस्टर कुशवाहा ने चाय पत्ती के उस पैकेट को खोला, उनका पूरा केबिन चाय पत्ती की स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल से भर गया। मिस्टर कुशवाहा चाय की उस स्मेल को लेने के लिए गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि मिस्टर कुशवाहा को चाय वैसे भी बहुत पसंद है। इसलिए वो उस चाय पत्ती को अपने हाथों में मसलते हैं और उसे देखकर बोले, ये तो काफी अच्छी और चमकदार चाय पत्ती है। मैंने ऐसी चाय पत्ती आज से पहले कभी नहीं देखी, और इसकी स्मेल, ओहो, काफी ज्यादा अच्छी है। इतनी अच्छी कि मैं इसे अभी बनाकर पीऊंगा। इतना बोलकर मिस्टर कुशवाहा चाय पत्ती को लेकर ऑफिस के किचन में जाते हैं और चाय को पानी में डालकर उबालने लगते हैं। जैसे ही चाय पत्ती पानी में जाकर घुल जाती है तो पूरे किचन में उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल फैल जाती है। चाय पत्ती की स्मेल ने ऑलमोस्ट मिस्टर कुशवाहा को मदहोश ही कर दिया। चाय पत्ती के उबलने के बाद भी चाय पत्ती का हरा कलर अभी भी बरकरार है, जिसे देखकर यह साफ पता लग रहा है कि चाय की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मिस्टर कुशवाहा ने चाय का स्मेल लेते हुए कहा, इस चाय की स्मेल ने ही मेरी बॉडी को इतना ज्यादा रिफ्रेश कर दिया है, चलो इसे पीकर देखता हूं। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।